सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और आज के इस एपिसोड में बड़े जबरदस्त गाने हैं, वो गाने जो कि बपीदा और मिथुन दा का कॉम्बिनेशन लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जी हाँ, बपीदा ने मिथुन दा के लिए कई गाने गाए हैं और ये कॉम्बिनेशन जो है बेजोड़ अमर माना जाता है। और ये अब ये कहने वाली बात नहीं, अब तो ये आपको याद ही हो गई होगी ये बात कि भाई सारेगामा कारवां जो कि 5,000 गानों का नायाब तोहफा है, उस कलेक्शन में से ये गाने चुने गए हैं। अच्छा, बप्पी लहरी ने हमेशा सरल चौधरी साहब को और एसडी बर्मन साहब को अपना आदर्श माना। हाँ, ये बात एकदम सही है। और उस ज़माने में ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आए जहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर पहले से मौजूद था, और वहाँ पर एक ज़रा मुख्तलिफ अंदाज का संगीत देना, बड़ा डिफरेंट स्टाइल का म्यूज़िक देना अपने आप में ज़रूरी भी था, और बप्पी दा को महारत भी हासिल थी इसमें। वो शास्त्रीय संगीत भी दे सकते थे और ज़रा वेस्टर्न स्टाइल का भी। और बप्पी दा के साथ हुआ दरअसल ये कि भाई शुरुआत में तो बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर ही काम कर रहे थे, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर्स के इंसिस्टेंस पे, जब प्रोड्यूसर्स ने कहा कि नहीं भाई आप गाना भी गाएँ, तो जैसे कि इनके आदर्श एसडी बर्मन गाना गाया करते थे, उसी तरह से बप्पी लहरी ने भी शुरू किया। और बप्पी दा ने फिर इस अंदाज़ में गाने गाए। मिथुन दा के ऊपर तो आवाज़ एकदम डिस्को डांसर, इस फिल्म को या इस जोड़ी को तो आप बिल्कुल भुला ही नहीं सकते, पर आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बप्पी दा की आवाज़ को चुना गया। आप यकीन मानिए, इन्होंने अभिषेक बच्चन के लिए भी गाना गाया। हाँ, फिल्म गुरु में जो एक गाना रहा वो बप्पी दा ने गाया। तो बप्पी दा ने मिथुन दा को आवाज़ दी, मिथुन दा को बड़ा ज़बरदस्त संगीत दिया, और मिथुन दा के अभिनय और मिथुन चक्रवर्ती के डांस ने पूरा न्याय किया, फुल जस्टिस किया बप्पी लहरी के संगीत के साथ। और आज के इस एपिसोड में इसी तरह का संगीत जो है वो आपके सामने आ रहा है। ज़रा इसका लुत्फ आप उठाएं, इसे एंजॉय करें, और बीच बीच में जो है कुछ बड़े निराले किस्से मैं इन दो दिग्गज कलाकारों की जिंदगी से जुड़े आपके साथ बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी, मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी।
अकेले आवाज दे किसको यहाँ हस
सदियों की मस्ती है, बिंदास बागी जवानी, दिल प्यासे मिलते हैं ऐसे जवानी में जैसे मिले आग पानी। इस उम्र में क्यों न मनमानी कर जाए, मस्ती की राहों में हद से गुजर जाए। जहां मिले प्यार वही मेरे यार, हो जाए निसार तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। गो आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। नाचे नाचे कोई वहां आहा नाचे नाचे, सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जवां आहा नाचे नाचे। आवा 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 आवा, कोई यहां नाचे नाचे, कोई वहां मानो ना मेरे यार, आओ आओ तुमसे है तुमसे प्यार।
दुनिया दीवानी लगे, कितनी सुहानी लगे, कर दे जवानी बैंग बैंग। गाऊं मैं गीत कोई सबकी कहानी लगे, यादी पुरानी बैंग बैंग। सारी फिजा नचे नचे, सारा जहां नचे नचे, सारे हंसी नचे नचे, सारे जवान नचे नचे। होके दीवाना नाच, नाचे जमाना नाच, होके दीवाना नाच ला। मुड़के मिला आंखें, आया हूं मैं तेरे लिए। जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूं मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। ए ओ आ आ ओ आहा, ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार आया है। जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है। अरे ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार आया है। जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है। दिल से दिल जोड़ के फिर नहीं तोड़ना। ए ओ आ ओ आहा, जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूं मैं तेरे लिए। मेरे दिल का फैसला जरूर होना है। मर के भी तो अपना तुझसे दूर होना है। ये मेरे दिल का फैसला जरूर होना है। मर के भी तो अपना तुझसे दूर होना है। जाएगी तू जहां, आऊंगा मैं वहां। ए ओ आ आ ओ आहा, जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूं मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। बप्पी दा यानी कि बप्पी लहरी साहब और मिथुन दा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती साहब का एक कॉम्बिनेशन जो है इस एपिसोड के जरिए आपके सामने आ रहा है। वो बड़े निराले गाने जो बप्पी दा ने
मिथुन दा के लिए बनाए हैं, उनके लिए गाए, वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। और सारे गामा कारवां जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उनमें से ये गाने चुने गए हैं, ये फहरिस्त बनाई गई है। देखिए, मिथुन दा जब सुपरस्टार बन गए तो तब तो सभी ने कहा कि भाई ऐसा अभिनेता तो देखा नहीं जो इमोशनल सीन्स भी कर लेता है, एक्शन भी अच्छा करता है, डांस बेहतरीन करता है। लेकिन इस बात पर कम लोग गौर कर पाए कि जब मिथुन चक्रवर्ती FTII पहुंचे एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए, तब लोग अक्सर इनका मजाक उड़ाया करते थे। हाँ, इनकी बोलने का जो तरीका था, जो डिक्शन था, उसका बहुत मजाक उड़ता था। और मिथुन दा कभी कभी बड़े उदास हो जाया करते थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और पर मन में ये था कि मैं किसी दिन कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा। पर जब होता क्या है, जब आपकी कॉलेज में ज़रा रैगिंग वगैरह हो जाए ना, आपको ज़रा परेशान कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास पर भी ठेस पहुंचती है। पर मिथुन दा चूँकि बड़े एक वेल बिल्ट इंसान रहे और हैं, और बड़ा इन्होंने एक्टिंग के ऊपर ध्यान दिया, डांस के ऊपर बहुत ध्यान दिया, और इनके रंग, इनके कॉम्प्लेक्शन का भी उस दौर में मजाक बनाया गया था। लेकिन इन तमाम तकलीफ़ों के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती ने हार नहीं मानी, ये आगे बढ़े और उस रैगिंग को बुलाकर, उन परेशानियों को बुलाकर मुंबई शहर की तरफ इन्होंने रुख किया। घर परिवार से ठीक थे, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब ना बहुत ज़्यादा अमीर, एकदम जिसे कहते हैं कि मिडिल क्लास वाला हिसाब किताब था, तो वो था। शुरुआत में फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया जब ये अपना डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे, और इन तमाम तानों के साथ कि भाई ये तो इसका रंग ठीक नहीं है, इसका बोलने का अंदाज सही नहीं है, इन सब के साथ मिथुन दा ने मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में, उस ज़माने में कहा जाता था ना मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री, उसमें संघर्ष किया, और संघर्ष करके निखर के सामने आए, ऐसे सुपरस्टार बने कि साहब ये तो लिविंग लेजेंड हो गए, है ना। तो कुछ बड़े निराले गाने जो हैं वो ज़रा सुनते हैं, और ऐसे बड़े ज़बरदस्त किस्से आपके साथ बांटे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। दिल था अकेला अकेला, साथी मिला अलविदा, सपने में भी सोचा ना था अपना कोई बन जाएगा। चाहेंगे हम तुम्हें दिल से, मिले हो तुम मुश्किल से, सपने में भी सोचा ना था अपना कोई बन जाएगा। दिल था अकेला अकेला, साथी मिला अलविदा। लाखों में आंखें तो तुम पे ही जा रुकी, सांसें भी तुमको ही अपना बना चुकी, तुम में सनम खो जाएंगे दीवाने हम हो जाएंगे। चाहेंगे हम तुम्हें दिल से, मिले हो तुम मुश्किल से, सपने में भी सोचा ना था अपना कोई बन जाएगा। दिल था अकेला अकेला,
चाहेंगे हम तुम्हें दिल से, मिले हो तुम मुश्किल से, सपने में भी सोचाना था अपना कोई बन जाएगा। दिल था अकेला अकेला, साथी मिला अलबेला, सपने में भी सोचाना था अपना कोई बन जाएगा। ला 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 बजाने का, सुनने का, सुनाने का, हंसने का, हंसाने का, रातों को जगाने का, नैनों में समाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है। Thank you.
एक नगमा हर नगमा एक दिल है ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। तो सनम जाने ये बात जीना हमें
है तेरे साथ, वादा है क्या, क्या है कसम, क्या है कसम, जाने न हम। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और इस एपिसोड में बापी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती का बेजोड़ कॉम्बिनेशन जो है वो सुनाई दे रहा है। बड़े ज़बरदस्त गाने जो बापी दा ने मिथुन दा के लिए बनाए, मिथुन दा के लिए गाए, वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। और कभी कभी ये कहा जाता है कि भाई बापी दा ने वेस्टर्न म्यूज़िक का बड़ा सहारा लिया और वेस्टर्न स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया फिल्म इंडस्ट्री में और कमाल किया। ये पूरी तरह से बात सही नहीं है, क्योंकि बापी लहरी के पहले भी जो संगीतकार थे वो भी काफ़ी मुतासिर थे वेस्टर्न म्यूज़िक से और उन्होंने बहुत से प्रयोग किए थे। पर बापी दा को ये क्रेडिट पूरी तरह से जाता है कि जो डिस्को म्यूज़िक है जो ट्रेंड कर रहा था, उसकी शुरुआत, उसका उसको ट्रेंड करवाने में जो कंट्रीब्यूशन बापी लहरी का रहा है वो किसी और का नहीं।
जी हाँ, बप्पी दा ने ना ही सिर्फ उस संगीत को हमारे सामने रखा बल्कि एक उभरता हुआ सितारा मिथुन चक्रवर्ती, उनकी डांसिंग स्किल्स के साथ पूरा जस्टिस किया, उसी तरह का संगीत बनाया। और मिथुन दा ने कहा कि मैं तो इम्प्रोवाइज़ करूँगा, बड़े अच्छी तरह से इम्प्रोवाइज़ करूँगा, और इस तरह से काम भी किया। और हालांकि ये बात भी, इस पर भी गौर करना होगा कि बचपन की जो प्रशिक्षण रहा बप्पी लहरी का, वो तो शास्त्रीय संगीत में ही था। माता पिता ने शास्त्रीय संगीत ही सिखाया, लेकिन एक अंदर एक जिसे कहते हैं ना नेचुरल रिदम है, और एक प्रयोग करने की एक मादा है कि भाई हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ डिफरेंट करके दिखाएंगे। और बप्पी लहरी उस दौर में आए थे जब पहले से बड़े दिग्गज संगीतकार मौजूद थे, और बप्पी दा के फादर ने ये कहा भी था कि भाई मेरा तो इकलौता बेटा है, जो चाहे वो करेंगे इसके लिए। और तब बप्पी लहरी साहब ने कहा था कि बाबा मुझे आप मुंबई ले चलें, कलकत्ते में मैंने काफ़ी काम कर लिया, अब आप मुंबई ले चलें और वहाँ पर मैं बतौर संगीतकार काम करूँगा। तो इस तरह से पूरा परिवार फिर मुंबई आया, हाँ स्थानांतरण हुआ, और बप्पी लहरी ने फिर शास्त्रीय संगीत भी हमारे सामने रखा, गज़लें भी हमारे सामने रखी, और डिस्को डांस, डिस्को म्यूज़िक, आहा हा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं साहब। एक तरह से पूरा रुख जो है फिल्मी संगीत का जो है वो बदल के रख दिया। हाँ, और मिथुन दा और बप्पी दा का ये बेजोड़ कॉम्बिनेशन जो है वो इस एपिसोड के जरिए हम सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। We'll be right back.
या सितम तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम पैदा करने वाले की सताया है सताएंगे जलाया है जलाएंगे रुलाया है रुलाएंगे कसम छल किया है संग दिल है तुझे जुल्म का ये नशा है आज देखेंगे हम तुझ में कितना है दम आजा आजा ओ बेरहम तूने किए क्या क्या जुल्म क्या क्या सितम तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम पैदा करने वाले की आ गई क्या जुल्म क्या क्या सितम तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम पैदा करने वाले की आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें दिल में न आया था नजरों से सबकी बचाया था तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना कहा न माना मेरा की बचाया था तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना कहा न माना मेरा जो भी हुआ ना कभी प्यार में बेकार आना हुआ उसका संसार में जी
जिसे ही चाहा उसे ही पाया, यही तो दिल चाहता। कोई भी दिल में न आया था, दिल में न आया था, नजरों से सबकी बचाया था, सबकी बचाया था। तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना, कहा न माना मेरा। दुनिया है उसी की शान जिसकी नारी है, उसी का नाम लेती कायनात सारी है। वही एक ऐसी ताकत है जो सब पे भारी है, किसी ने भी मिटाने की हमें तैयारी है, तो उसका सर झुकाने की हमारी बारी है। जरा दिल थामना, हुआ है सामना, जरा दिल थामना, हुआ है सामना। नशे में चूर होता है, हजारों पे सितम करके ही वो मशहूर होता है। समाया जिसके सीने में खुदा का नूर होता है, किसी ताकत के आगे वो नहीं मजबूर होता है। खुदा को भूल कर इंसान तो मगरूर होता है, मगर होना वही
उसे मंजूर होता है। ये बात है, यही बात है। ये दुनिया है उसी की शान जिसकी न्यारी है, उसी का नाम लेती कायनात सारी है। जब सर पे तो अल्लाह याद आता है, जिसे मरना है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हमारा सामना करने की जो हिम्मत दिखाता है, हमारे एक इशारे पे वो इस दुनिया से जाता है। हमारे खौफ से सारा जमाना थर थराता है, हमारे हाथ में आकर कोई बच के ना जाता है। ये बात है, यही बात है। आगे सर नहीं झुकाता है, वो है एक दीवाना, उसे क्या समझाना। वो है एक दीवाना, उसे क्या समझाना। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। बप्पी लहरी साहब और मिथुन चक्रवर्ती साहब, इन दोनों का ये बड़ा निराला कॉम्बिनेशन, अमर कॉम्बिनेशन है जो सुनाई दे रहा है। और ये तमाम गाने सारेगामा कारमा, जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उनमें से चुनके हम लाए हैं। और सारेगामा कारमा में आपको हर तरह का संगीत सुनने को मिलता है, सर, भक्ति संगीत भी और फिल्मी संगीत तो खैर है ही, और शास्त्रीय संगीत भी सुनने को मिलता है। तो एक अलग कॉम्बिनेशन है, ये बहुत कम होता है कि इतना संगीत जो है, हर जॉनर जो है वो आपके सामने आ सके, तो ये एक बेजोड़ बात है। अच्छा, एक बात जो मिथुन दा के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, अमूमन तो ये अपने हीरोइंस के साथ और अपने को स्टार्स के साथ बड़े बड़े प्यार से पेश आया करते थे, लेकिन एक हीरोइन के साथ ज़रा बात थोड़ी बिगड़ सी गई थी। हुआ क्या था कि मिथुन चक्रवर्ती इस बात के लिए बड़े मशहूर रहे कि भाई एक टेक में होगा जो होगा। आपने मुझे डांस स्टेप सिखा दिए, बता दिया ये ऐसे डांस करना है, हाँ एल्विस प्रेस्ली का स्टाइल है, माइकल जैक्सन का है, ठीक है, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, सब सही है, अब एक टेक में होगा जो होगा। रीटेक में यकीन नहीं करते थे। अच्छा, कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, बारिश का गाना था और हीरोइन इनके साथ और ठंडा मौसम। अच्छा, मिथुन दा उनको तो बताया ये स्टेप्स, उन्होंने कहा हम करेंगे। अच्छा, एक टेक किया, वो डायरेक्टर ने कहा नहीं ठीक नहीं आ रहा, वो हीरोइन के स्टेप्स ठीक नहीं आ रहे, दोबारा करना पड़ेगा। तो 5-6 रीटेक हो गए और उसमें सीन क्या था, शॉट क्या था कि डांस करते करते मिथुन दा को उस हीरोइन को अपनी गोद में उठाना है। अब हर बार वहाँ पर जो है बात बिगड़े, तो जब 5-6 रीटेक हुए तो मिथुन दा इतने परेशान हो गए, इतने उकता गए कि हीरोइन उनकी गोद में थी और डायरेक्टर ने बोला कट। उन्होंने कहा कट क्यों, कहते रीटेक। उन्होंने हीरोइन को वहीं बिल्कुल छोड़ दिया, ज़मीन पर गिरा दिया। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा हीरोइन कौन, वो हीरोइन रही रंजीता जी। जी हाँ, रंजीता के साथ जो है ये दुर्घटना घट गई थी। और ये बात और बाकी की हीरोइंस को भी मालूम पड़ेगी, जो नई नई हीरोइंस इनके साथ काम कर रही थी, कि भाई मिथुन दा तो वन टेक में काम करते हैं, तो वो हीरोइंस और ज़्यादा मेहनत किया करती थी। तो ये एक ज़रा मख्तसर सा किस्सा मेरे जहन में आया, सोचा ज़रा आपके साथ बांट लिया जाए। अभी कुछ बड़े निराले गाने सुनते हैं, फिर आगे की किस्सा गोई सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है, धुंधली सी रोशनी है, आंखों में खुमार है। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है, धुंधली सी रोशनी है, आंखों में खुमार है। हो रुकी रुकी सांसे है, जवानी बेकरार है, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरा प्यार है। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है, धुंधली सी रोशनी है, आंखों में खुमार है।
ख्यालों की गर्मी में तेरी जवानी पिघल रही है। पानी में दोनों मचल रहे हैं, आग बदन से निकल रही है। पहले जो दिल की बिगड़ी थी हालत, अब वो जरा सी संभल रही है। और यहाँ कोई नहीं, तेरा मेरा प्यार है। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है, धुंधली सी रोशनी है, आंखों में खुमार है। लगी है रूप की ठंडक, बदल रहा है प्यार का मौसम। मेरी नजर भी डोल रही है, कांप रही है, तू भी ऐ हमदम। तुझको जरूरत शोलों की है, मुझ में समा जा ऐ मेरी शबनम। और यहाँ कोई नहीं, तेरा मेरा प्यार है। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है, धुंधली सी रोशनी है, आंखों में खुमार है। जीना भी क्या है जीना तेरी आंखों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरे होठों के बिना।
आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। डांस डांस लेट्स डांस 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 लेट्स डांस Thank you.
सब गरीब। प्यार नहीं किया तो खा किया, लुटा के जान जिया है वो ही। ओ प्यार नहीं किया तो खा किया, लुटा के जान जिया है वो ही। तकदीर का बादशाह जिंदगी, ये जिंदगी है प्यार के लिए, प्यार पे मरे यहाँ जो प्यार से जिए। आप जैसा यार जिससे प्यार में मिले, आपका ये हुस्न जिसकी बागों में खिले, वो तकदीर का बादशाह, वो तकदीर। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और इस एपिसोड में बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती, ये दो महान कलाकार, इनके गाने जो हैं वो आप सुन रहे हैं। बप्पी दा ने जो गाने मिथुन दा के लिए बनाए, जो गाए, वो आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक बात जो है बहुत प्रेरित करती है मिथुन दा की ज़िंदगी से जुड़ी। अमूमन क्या होता है कि हर सुपरस्टार जो है वो चाहता है कि भाई सुपरस्टारडम आगे चले और फिल्में करते रहें, लेकिन मिथुन दा ने एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल कदम उठाया। वो क्या, वही अपना एक अपना रिजॉर्ट बनाया, अपना होटल बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया बच्चों को होटल मैनेजमेंट सिखाने के लिए। तो किसी ने पूछ भी लिया कि भाई मिथुन दा, आपकी तो फिल्में अच्छी खासी चल रही हैं, इतने बड़े सुपरस्टार आप हैं, आपको क्या ज़रूरत है होटल बनाने। तो मिथुन दा का बड़ा सिंपल सा जवाब था कि भाई मैं टॉप पे रह चुका हूँ, देख चुका हूँ वहाँ पे कितना अकेलापन है, ये कितने दिन तक चलेगा, कब तक लास्ट करेगा सुपरस्टारडम, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनकी देखरेख भी तो करनी है मुझे। और अगर मैंने अभी समय रहते कुछ ऐसे कदम नहीं उठाया जहाँ से एक अच्छी इनकम होती रहे, एक अच्छा एक बिज़नेस बन सके, तो फिर बात अगर बिगड़ गई तो मैं क्या करूँगा। और वो बड़े प्रैक्टिकल इंसान है, और बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ वो अपना होटल बनाया और फिल्में भी करते रहे और व्यवसाय भी संभाला। और ये एक बात और थी इनके मन में कि सिर्फ एक्टर की ही का ही हैट या एक्टर की ही टोपी पहन के नहीं जाऊँगा, कुछ अलग भी होना चाहिए। तो ये मिथुन दा ने किया अपनी फिल्मों के ज़रिए भी, भाई नेशनल अवार्ड भी मिला, आर्ट फिल्म भी करी, डिस्को वाली फिल्में तो खैर कमाल की ही की, बाद में चरित्र अभिनेता के तौर पर जब काम किया तो वो भी बेमिसाल किया। हाँ, और हर तरह का किरदार इन्होंने निभाया, हर तरह के गाने, चाहे वो डिस्को हो या फिर ज़रा शास्त्रीय संगीत से इंस्पायर्ड हों, वो गाने भी इन्होंने शूट किए, उन पे भी डांस किया। तो ये मिथुन दा की बातें हैं जो बहुत प्रेरित करती हैं। और ये इनका कहना कि भाई एक हीरो का, मासेस का हीरो बनना बेहद ज़रूरी है, तभी वो सुपरस्टारडम तक जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है, जो हीरो मासेस का हीरो है वही सुपरस्टारडम को तक पहुँच पाया है। और ये बातें जो हैं बहुत लोगों को इंस्पायर करती हैं और इंस्पायर करती रहेंगी। और ऐसे कुछ और बड़े अनोखे किस्से और बड़े ज़बरदस्त गाने जो हैं आपके सामने आते रहेंगे कारवां क्लासिक पर। दिल धक धक करने लगा, मैं दिल से डरने लगा, दिल धक धक करने लगा, मैं दिल से डरने लगा, ऐसा लगता है मैं किसी पे मरने लगा है। दिल धक धक करने लगा, मैं दिल से डरने लगा। मैं पूछा करता हूँ इस दिल दीवाने से, मैं पूछा करता हूँ इस दिल दीवाने से, वो खुद आए तो क्या हो जिसकी याद आने से। आई कोई खुशबू कोई जादू चलने लगा, हो ऐसा लगता है मैं किसी पे मरने लगा। दिल धक धक करने लगा, मैं दिल से डरने लगा।
कितनी बाजारों में तस्वीरें देखी हैं, कितनी बाजारों में तुम जैसे हैं हजारों, वो है एक हजारों में देखी दो निगाहें, मैं आहे भरने लगा ओ, ऐसा लगता है मैं किसी पे मरने लगा, दिल धक धक करने लगा, मैं दिल से डरने लगा। सोचा था खेलूंगा मैं खिलौने से है, सोचा था खेलूंगा मैं खिलौने से, अब कैसे रोकूं दिल को उस पे आशिक होने से, मैं तो दिल लगी में दिल का सौदा करने लगा ओ, ऐसा लगता है मैं किसी पे मरने लगा, दिल धक धक करने लगा, मैं दिल से डरने लगा, ऐसा लगता है मैं किसी पे मरने लगा। मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया, एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया, अब तो तेरी ही लगन है, दिल तुझे पाकर मगन है, अब तो तेरी ही लगन है, दिल तुझे पाकर मगन है, सुन मेरी रानी खिल जाएगी जवानी, तूने बात जो मेरी मानी, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया, एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया। पहले मिलन में पहली नजर का तीर जो तूने मारा, ओ तुझको मैंने जीता लेकिन तुझसे ही मैं हारा, हुआ मत वाला दिल जाए न संभाला, तूने जाने क्या कर डाला, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया, एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया।
मैं तुझे अपना मान चुका हूँ, तू चाहे माने या न माने। ओ मेरे सिवा भी होंगे न जाने कितने तेरे दीवाने। सबको भुलाना मुझे अपना बनाना, किसी और से दिल न लगाना। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया, एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया। अब तो तेरी लगन है, दिल तुझ पाकर मगन है। अब तो तेरी लगन है, दिल तुझ पाकर मगन है। सुन मेरी रानी खिल जाएगी जवानी, तूने बात जो मेरी मानी। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया, एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया। ये जिंदगी चमन है, सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें। ये जिंदगी चमन है, सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाग बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें। चमन है, सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाग बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें। ये जिंदगी चमन है, सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाग बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें। ये जिंदगी
जिंदगी चमन है, सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बागबां हैं, क्यों ना दो कल ये समा फिर हो न हो, हमें जो कहना था हमने कह दिया, कुछ तो मेरे जा तुम भी कहो। दिल धड़कता है डर सा लगता है, मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा न हो। तुम जो भी हो दिल आज दो कल ये समा फिर हो न हो। चाल चलोगी जाने कितनों का बुरा हाल करोगी, जिसे चाहोगी उसे निहाल करोगी, तुम जो भी करोगी कमाल करोगी। तुम जो भी हो दिल आज दो कल ये समा फिर हो न हो, हमें जो कहना था हमने कह दिया, कुछ तो मेरे जा तुम भी कहो। दिल धड़कता है डर सा लगता है, मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा ना हो। तुम जो भी हो दिल आज दो कल ये समा फिर हो ना हो। Thank you.
तो हसीनों से है कहते यही, हुस्न की उम्र तो है घड़ी दो घड़ी, मौत के साए में पलती है जिंदगी, अभी है उजाला तो अंधेरा है अभी। तुम जो भी हो दिल आज दो, कल ये समा फिर हो न हो, हमें जो कहना था हमने कह दिया, कुछ तुम्हें है दिजा तुम भी कहो। दिल धड़कता है डर सा लगता है, मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा ना हो। तुम जो भी हो दिल आज दो, कल ये समा दिल हो ना हो। कैसा लगा आपको ये शो, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।